Hello everyone. Today we are here to revise part B of class 9th. Previously we have done the revision of part A, in which we covered the unit number 1, communication skills, and unit number 2, self-management skills. So now the turn of part B. So let us start. Your part B is vocational skills. This is first chapter is introduction to IT and ITES. इस चैप्टर की बेटर रिवीजन हमने बहुत बार कर ली है. IT is information technology, ITES information technology enabled services. तो आई होप इस चैप्टर में से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका टेस्ट भी हो चुका है, बट फिर भी मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ और बाकी जो डिटेल में है वो डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग वाला चैप्टर हम आज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बेटा. Firstly, introduction to IT and ITES. So, IT kya hota hai? What is IT? IT is information technology. Refers to the development, maintenance and the use of computer software, systems and networks. Main motive kya hai? Aajkal jo technology use ho rahi hai, usko develop karna, maintain karna. Un softwares ko use karna, systems ko networks. So, that is called IT. In today's, there are Everywhere information technology is used, like your schools, hospitals, at your business, etc. Service pe, sab jagah pe aajkal information technology use ho rahi hai. ITES, Information Technology Enabled Services. It means defined as outsourcing of processes that can be enabled with information technology and cover diverse areas like finance, healthcare, HR, administration, manufacturing, telecommunication, etc. These services radically reduce cost and improve the services standard. ये क्या है बेटा? जो सर्विस प्रोवाइड होती है, लाइक फाइनेंस, हम कोई फाइनेंस करवाते हैं, कोई गोल्ड का फाइनेंस, कोई किसी तरह का. हेल्थ केयर में जो आपके इंश्योरेंस होते हैं, जिसको आप बीमा कहते हो, है ना. एचआर हो गया. एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आपकी हेल्प होती है. मैन्युफैक्चरिंग में लोन मिलते हैं आपको. टेलीकम्युनिकेशन. तो ये सारी चीजों की जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही डील होती है. ये तो ये सर्विसेज हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हमें प्रोवाइड होती हैं. और इसका बेनिफिट क्या है? कॉस्ट कम हो जाती है और जो सर्विसेज है वो इम्प्रूव होके मिलती हैं. ITES को वेब इनेबल्ड सर्विसेज भी कहा जाता है और रिमोट सर्विसेज भी कहा जाता है. टेलीवर्किंग सर्विसेज भी कहा जाता है. तीनों नेम याद होने चाहिए, वेब इनेबल्ड, रिमोट सर्विसेज, टेलीवर्किंग. मतलब वेब इनेबल्ड इंटरनेट यूज करते हो वेब के अकॉर्डिंग, रिमोट सर्विसेज दूर से बैठे ही सर्च कर सकते हो, टेलीवर्किंग ऑनलाइन आप जैसे मर्जी उस चीज को यूज कर सकते हो. जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, कॉल सेंटर्स में, मेडिकल बिलिंग में, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, आईटी हेल्प डेस्क, बैक ऑफिस ऑपरेशंस. घर पे बैठ के कोई काम करना हो आपको, आप ऑनलाइन करते हो. आजकल तो लॉकडाउन की वजह से करना भी पड़ रहा है सबको. कोई रेवेन्यू का क्लेम करना है, वेब सर्विसेज, ये सब कुछ आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में आता है. बीपीओ सर्विसेज जो बिजनेस से रिलेटेड थी, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड. इसकी फुल फॉर्म ध्यान से याद रखना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी टू परफॉर्म अ टास्क. कहते एक जो बिजनेस प्रैक्टिस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग पर्सन को हायर करती है कंपनीज को, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है वो टास्क उसकी कंप्लीट हो सके. जैसे कि बेटा मेन फैक्टर क्या है बीपीओ हायर करने के? कॉस्ट इफेक्टिव फॉर क्लाइंट. ग्रोथ होती है इकोनॉमी में, रिड्यूस कम हो जाता है, सॉरी रिस्क कम हो जाता है. प्रोफिशिएंसी बढ़ती है, काम जल्दी से होता है जब आप किसी तीसरे पर्सन को ऐड कर लेते हो अपने आप में. एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है जब अलग अलग कंपनीज काम करेंगी, है ना, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उतने ज्यादा पर्सन की उनको जरूरत पड़ेगी. तो बीपीओ सर्विसेज के नेम याद कर लेना, जैसे फाइनेंशियल, टैक्सेशन, ई पब्लिशिंग, ये सारी बीपीओ सर्विसेज हैं, बिजनेसेस हैं. आईटी एप्लीकेशंस डिटेल में नहीं करेंगे, नेम से ही पता लगेगा. बिजनेस में यूज होती है आईटी और इसको कहा जाता है ई कॉमर्स. फिर आपकी आईटी एजुकेशन में यूज होती है, जैसे हम आजकल आईटी को यूज कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, सबसे बड़ी एग्जाम्पल. आईटी हेल्थ केयर और मेडिसिन में यूज हो रही है. जो बिल्स हैं आपके या मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन जनरेट होती हैं, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं रिजल्ट जो आता है. गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट कैसे यूज करती है. गवर्नमेंट ने ये कैंपेन चलाया था डिजिटल इंडिया, इसका मतलब क्या है, उसने मोस्टली चीजें ऑनलाइन कर दी, जैसे कि बस की बुकिंग, रेलवे की बुकिंग, आधार कार्ड बनाने हैं, ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया.
ये कहते हैं आईटी गवर्नमेंट यूज कर रही है, आईटी बैंकिंग में यूज हो रही है, पता ही है सब कुछ, आप घर पे बैठे ऑनलाइन कर सकती हो। जैसे कि आपने कोई ट्रांसफर करना, एफडी खोलनी है, एफडी तुड़वानी है, अकाउंट खुलवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑनलाइन पेमेंट। मिलिट्री में जो इक्विपमेंट्स बनते हैं, वेपन्स बनते हैं, उनको डिजाइन करना, साइंटिफिक रिसर्च, कोई रिसर्च करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी, पहले क्या था डाटा अब क्या है, उनको कंपेयर करना, बहुत चीजें होती हैं। इंजीनियरिंग में जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन यूज होता है, जैसे कोई भी आपको प्रोडक्ट बनाना है उसका डिजाइन तैयार करना हो, जैसे कई मैन्युफैक्चरिंग में डिजाइन तैयार होता है, कई देखो कंपनीज है ये मशीनें लगाती हैं, मशीनें चलती किसके थ्रू है, आईटी के थ्रू, तो ये इसको कहते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, CAM। एंटरटेनमेंट में आप टीवी देखते हो, फिल्म, गेम्स, वीडियोस, म्यूजिक, सब कुछ। पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग में न्यूज़पेपर पे कैसे प्रिंटिंग होती है, पहले तो वो कंप्यूटर पे बनता होगा ना वो चीज़, तभी प्रिंट होता है। कोरल ड्रॉ में जैसे आपकी इनविटेशन के कार्ड बनते हैं, डिजाइनिंग पैम्फलेट बनते हैं, आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी देखी होंगी है ना बाजार में, बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, वो सब आईटी के थ्रू ही बनते हैं। एनिमेशन एंड फिल्म, फिल्म वाली जो एनिमेशन की फिल्म होती है वो भी आईटी के थ्रू ही होती है, जैसे कार्टून्स हो गए, जो आपके चार साहेबजादे मूवी थी वो भी एनिमेशन के थ्रू थी। तो इस तरह से करियर क्या है, अगर आपने आईटी फील्ड चूज किया आप क्या क्या बन सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हो, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, हार्डवेयर इंजीनियर बन सकते हो, वेब डेवलपर जो वेबसाइट बनाता है, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर टेस्टर, वेब मास्टर, एनिमेटर एटसेट्रा एटसेट्रा, कंप्यूटर एजुकेटर, तो ये सब बन सकते हो। और जो ये ग्लोसरी है और समरी है ये आपको रिवीजन के लिए PDF में मिलेगी, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये था बेटा फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू, नाउ लेट अस स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। ये मैं क्यों आपको अभी फटाफट से करवा रही हूँ, क्योंकि आपको अपने एग्जाम्स की डेटशीट मिल गई है, तो उस एग्जाम्स के अकॉर्डिंग ये दोनों चैप्टर कवर करने हैं। तो डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, डाटा एंट्री क्या होता है, बहुत इजी चैप्टर है। डाटा एंट्री मतलब डाटे को कंप्यूटर के अंदर एंटर करना, दैट इज कॉल्ड डाटा एंट्री, डाटे को इनपुट करना, कीबोर्ड के थ्रू कर लो, माउस के थ्रू कर लो, डॉक्यूमेंट्स बना लो, स्प्रेडशीट बना लो, कुछ भी बना सकते हो। कीबोर्डिंग स्किल्स, कीबोर्ड को यूज करना किसी भी प्लेस पे, जैसे कि एजुकेशन में, मार्केट प्लेस पे, लाइफस्टाइल में। कहते टाइपिंग हेल्प्स अस टू इम्प्रूव एंड लर्न न्यू स्किल्स, टाइपिंग हमें हेल्प करती है ताकि हम नई चीजें सीखें और अपना काम अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट बेटा कीबोर्ड, कीबोर्ड की डिटेल आ रही है। कीबोर्ड पता है ये बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, ये पता होना चाहिए, जिससे डाटा एंटर करते हैं, इसलिए इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है, चाहे टेक्स्ट में डाटा दे दो, चाहे न्यूमेरिकल डाटा, चाहे सिंबल प्रेस कर लो, अलग अलग कीज होती हैं इसमें, स्पेस बार, फंक्शन की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, तो इसमें लगभग 104 से लेके 108 तक कीज होती हैं अप्रॉक्सीमेटली, 104 से 108 तक। और इसमें क्या होता है, कहते हैं कीबोर्ड्स के टाइप बताएं, नॉर्मल कीबोर्ड सिंपल जो हम यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल जो इस तरह से रोल हो जाता है, वर्चुअल कीबोर्ड जो दिखता नहीं है वो लाइट के थ्रू उसका विजन बन जाता है और हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रोजेक्टर पे कोई फिल्म देख रहे हो ना उस तरह से। कीज के टाइप्स होते हैं अल्फाबेट की A to Z, न्यूमेरिक 0 to 9, पंचुएशन कीज जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकॉलन, ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई एटसेट्रा। कर्सर कंट्रोल चार होती हैं, लेफ्ट कर्सर, राइट कर्सर, अप एंड डाउन। शिफ्ट कीज, शिफ्ट कीज मतलब जिसपे दो दो नंबर बने हुए होते हैं, एक नंबर होता है एक सिंबल होता है, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले अक्षर पढ़ते हैं और बिना शिफ्ट के नीचे वाले पढ़ते हैं, ये तो सबको आपको पता ही होगा। कैप्स लॉक, कैप्स लॉक क्या होती है, एक टोगल की है जिसको बंद भी किया जा सकता है और चलाया भी जा सकता है। आपको पता होगा जब इसकी लाइट ऑन होती है तो बड़े लेटर आते हैं, जब इसकी लाइट ऑफ हो जाती है तो छोटे लेटर आते हैं। डिलीट की किसी डाटे को डिलीट करने के लिए, बैकस्पेस की वो भी डिलीट करने के लिए होती है। दोनों में फर्क क्या है, डिलीट का मतलब होता है आप कर्सर को आगे रखोगे और ए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बैकस्पेस मतलब आप अक्षर के पीछे रखोगे कर्सर फिर ए डिलीट होगा, तो दोनों का फर्क ये है आपको कर्सर कहाँ पे रखना है। नम लॉक की, नम लॉक मतलब साइड में ये एक छोटा सा कीपैड होता है, ये कीपैड अगर चलाना है तो नम लॉक ऑन कर दो, ये कीपैड बंद करना है तो नम लॉक बंद कर दो। टैब कीज, फंक्शंस कीज F1 से F12 तक होती हैं, ये ध्यान रखना है 12 होती हैं। टैब की किस लिए होती है, ज़्यादा स्पेस देने के लिए। होम कीज जैसे कि जो आपकी ASDF, ये होम रो होती है सेंटर वाली, ASDF उधर से होती है LKJ
सेमी कॉलन होता है, JPL, ठीक है, बीच में F4H होता है। गाइड कीज, जैसे मैंने अभी बताया था F और J जो बीच में होती हैं, ये गाइड कीज होती हैं, जिससे आपको पता लगता है। गाइड कीज का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देखो लैपटॉप के ऊपर, अगर आपके पास है, F और J के ऊपर एक लाइन बनी होती है, जब आप टच करोगे उस लाइन को, फील करोगे, तो आपको पता लग जाएगा मेरा हैंड F और J के आसपास है, तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। बिना देखे टाइपिंग में हेल्प होती है। फंक्शंस यूजिंग कीबोर्ड, टाइपिंग कर सकते हो, सिंबल टाइप कर सकते हो, कैपिटल लेटर, सेंटेंस, सब कुछ कर सकते हो। माउस आपको पता ही है, पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। टाइप्स क्या है, 2 बटन वाला माउस भी होता है, 3 बटन वाला जिसके अंदर ये तीसरा बटन होता है, और स्क्रॉल माउस जिसके अंदर ये व्हील लगा होता है पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। सम टाइप्स ऑफ मैकेनिकल माउस होता है, जिसमें इस तरह से राउंड बॉल होती है। ऑप्टिकल माउस इस तरह से होता है। इंफ्रारेड, रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी से चलता है कॉर्डलेस, बिना वायर के। कॉर्डलेस 3D माउस ज्यादातर गेम्स में यूज होता है, ट्रैक बॉल वाला भी गेम्स में यूज होता है। माउस पॉइंटर, ये पॉइंटर होता है जो तीर कहते हैं, जिसको आप एरो कहते हो, ये जो मैं घुमा रही हूँ ये भी माउस का पॉइंटर ही है। माउस को पकड़ना, इस तरह से पकड़ते हैं, मिडल फिंगर यहाँ पे, इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आपकी। माउस कौन कौन से एक्शन करता है, सिंगल क्लिक करने से सिलेक्ट होती है चीज, डबल क्लिक से ओपन हो जाती है, राइट क्लिक से राइट वाला ऑप्शन खुलता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, सपोज आपको रिसाइकल को ड्रैग करना है, यहाँ पे क्लिक करके लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको खींच के दूसरी जगह पे ले जाओ, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। स्क्रॉलिंग मतलब जो बीच वाला गोल गोल बटन होता है उसको घुमा दो, वो होती है स्क्रॉलिंग। ब्लॉकिंग सिलेक्ट करने का ही वो दूसरा तरीका होता है टेक्स्ट को। आगे यहाँ पे बेटा था सॉफ्टवेयर, आ गया टच टाइपिंग। ये सॉफ्टवेयर है, जब भी कब स्कूल में आओगे सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग सिखाऊंगी कैसे होती है, बस इसको ओवरव्यू ले लो। टच टाइपिंग का मतलब है, एक यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज किया है इन्होंने, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर, इसके थ्रू आपको टाइपिंग करनी आएगी बिना देखे, आप कैसे टाइपिंग करोगे। पहले तो इन्होंने सारे मेथड बताए हैं, अभी इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है, इंस्टॉल करके उस पर काम कैसे करना है। इसमें सबसे पहले कोर्सेज आते हैं, भी आपको बिगनर हो, एक्सपीरियंस्ड हो या कैसे हो, इंट्रोडक्शन आती है, देखो बिगनर या एक्सपीरियंस्ड, फिर एडवांस कोर्स करना है तो एडवांस, एंड में आप टेस्ट कोर्स लेते हो। अगर स्टार्टिंग करनी है तो बिगनर से करोगे और धीरे धीरे आप टेस्ट की तरफ जाओगे। टेक्निक्स कौन सी यूज होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम होम रो सीखेंगे, ASDF वाली, है ना, फिर उसके बाद आप लेटर टाइप करना सीखोगे, फिर आप सेंटेंस टाइप करना सीखोगे, तो ये सारा उसमें प्रॉपर चैप्टर्स बने होते हैं। रूल्स क्या होते हैं टच टाइपिंग के, इस तरह से बैठना होता है, ये सारा पोस्चर और ये पॉइंट पढ़ लेना, ये रूल्स हैं आपकी टाइपिंग स्किल्स इंप्रूव करने के। अपनी फिंगर्स को इस तरह से रखना होता है होम रो पे, जब इस तरह से रख लोगे तो आप अपने आप ऊपर वाली नीचे वाली कीज को प्रेस कर लोगे, जब टाइपिंग स्टार्ट होती है तो इस तरह से दिखता है सारा। शॉर्टकट में करवा रही हूँ बेटा, डिटेल्स वाली वीडियोस देखनी है तो प्रीवियस वीडियोस देख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। इसमें अलग अलग बताया, सबसे पहले देखो ऊपर टाइटल बार आती है, लेसन बताता है कौन सा चल रहा है, स्टूडेंट कहाँ पे खड़ा है, लेसन एडिटर एडिट करने वाला, ऑप्शन बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, तो ये सारे स्टार्ट एंड पॉज, अगर रोकना हो टेस्ट, रीस्टार्ट करना हो, तो ये सारा कुछ ऊपर ऑप्शन आते हैं। स्टार्ट कैसे होगा, वही कह रही हूँ, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ले लो जो इंट्रोड्यूस करेगा, बिगनर का ले लो धीरे धीरे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड, फिर एडवांस, फिर टेस्टिंग, तो इस तरह के ये आपके लेवल्स बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बेटा, बस जब आपका टाइपिंग कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से आपको दिखाता है, जैसे कि यहाँ पे कलरफुल दिख नहीं रहा आपकी बुक में दिखेगा, कुड बी बेटर, और ज्यादा अच्छा हो सकता था, यहाँ पे आगे लाइन तो ओके है, गुड है, एक्सीलेंट है, तो आपका डिपेंड करता है कहाँ पे आपका जो स्टैटिक्स है, जो आपका रिजल्ट है कहाँ पे कैसा आता है, तो इससे पता लगेगा आप कैसे हो, गुड हो, वेरी गुड हो या ओके हो। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी डिटेल ज्यादा दी हुई है स्टैटिक्स वगैरह के बारे में, आपको बैक एक्सरसाइज अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। स्टूडेंट स्टैटिक्स पेन में अगर पूछा जाए कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टैटिक्स टूल बार, कोर्स डायग्राम, लेसन डायग्राम, लेसन टेबल, तो ये नेम याद कर लेना। लेसन एडिटर ओपन कैसे किया हुआ है, बस इसके मैंने आपको कहा क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं आपने अच्छे से। फिर ये कीबोर्ड शॉर्टकट और ग्लॉसरी है जो PDF में मिलेगी, ये फुल फॉर्म्स सारी लर्न करनी है, पेपर में आएंगी, शॉर्टकट्स भी लर्न करनी है, ये भी पेपर में आएंगी, और समरी पढ़ लोगे तो आपको सारा जो ओवरव्यू है चैप्टर का वो मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, बैक एक्सरसाइज रिवाइज कर लेना, और जब भी आपकी लाइव क्लास होगी उसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा फास्ट था बिकॉज मैंने पहले ये चैप्टर करवाया हुआ है,
अगर कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज लाइव क्लास में क्लियर कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.